एक एनालिसिस किया है टेस्ट सीरीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। मैंने मैक्सिमम लोग को बोला है कि 25 दिसंबर के आसपास फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेना, तो बहुत लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लिया है। तो ऐसा है कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का 3-4 रेंज है। एक कि तुम्हारा बिल्कुल कम 20-30 नंबर आ रहा है, दूसरा कि 50-60 नंबर आ रहा है, तीसरा कि 70 के ऊपर मार्क्स आ रहा है। तो ये तीनों का एनालिसिस बिल्कुल अलग अलग होगा। तो मैंने अभी सबसे कॉमन वाले को पकड़ा है जिसका 50 के आसपास मार्क्स आ रहा है। तो क्या है कि बहुत सिंपल होता है एनालिसिस करना, और उसको अगर तुम ढंग से नहीं करोगे तो तुम्हारा कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तुम देखोगे 24-25 टेस्ट दे दिए, उसके बाद भी मार्क्स उतना का उतना ही रह गया। लेकिन वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बता दे रहा हूँ, जितना मार्क्स तुम टेस्ट सीरीज में लाओगे लगभग उतना ही मार्क्स तुम फाइनल गेट में भी लाओगे। ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हो जाएगा उस दिन, ठीक है। तो मैं अच्छा सा एक वीडियो बना दे रहा हूँ कि एनालिसिस कैसे करना है। एक लड़के को ऐसे ही रैंडमली बोला, अपना सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भेजो, उसने भेजा, तो मैंने उसे आधे घंटे में एनालाइज करके तुम्हारे लिए रख दिया, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ही है, सबका एनालिसिस इसी टाइप से होगा। सिंपल से दिमाग लगाना, अपना वीकनेसेस पता करना है, और उसके बाद उस पर वर्क करना है, तब देखोगे गारंटीड तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सा इतना काम करना है तभी मार्क्स इंप्रूव होगा। अगर ये नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये भी पक्का बात है, ठीक है। तो देखो कैसे एनालिसिस करना है। इसने अपना स्कोर जो भी ये भेज दिया, तो मैं उसे अभी देख के तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इसका हालत क्या है। अभी सबसे पहले देखना है टेस्ट रिजल्ट्स में क्या क्या आ रहा है। तो पहली बात कि टोटल क्वेश्चन 50, ठीक है, अटेम्प्ट किया इसने सिर्फ, टोटल क्वेश्चन 65, अटेम्प्ट किया इसने सिर्फ 50। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इतना कम अटेम्प्ट से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें गेट में स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ करना है तो 60 के ऊपर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, इतना तुम्हें बता दे रहा हूँ। बहुत लोग डर जाएंगे, लेकिन डरने से नहीं होगा, उतना तुम्हारा एम होना चाहिए। अगर उतना नहीं किए तो बहुत मुसीबत है। कुछ बहुत रेयरली ही लोगों का होता है कि बहुत खतरनाक एक्यूरेसी है, लेकिन 59-60 भी अगर तुम नहीं कर रहे हो अटेम्प्ट तो नहीं हो पाएगा। समझ में आया, गेट ऐसा ही गेम है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। दूसरा और देखते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स 47.05, ठीक है, ये मिड रेंज मैक्सिमम लोग अभी इस टाइम पे हैं, इससे इंप्रूव कर करके 70-80 तक ले जाना है हमें। उसके बाद क्या है, नेगेटिव मार्क्स 4.95, ये नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मार्क्स बहुत, इसका एक मैं बता दे रहा हूँ कि दो क्वेश्चन इसके सही थे, टेस्ट सीरीज ने गलत आंसर दे दिया, तो उसमें कुछ नेगेटिव मार्क्स बने हैं, लेकिन अराउंड 3 मार्क्स इसके ऐसे भी नेगेटिव है, वो नहीं होना चाहिए। नेगेटिव जितना कम कर सको, 0 रखो बेस्ट है, 0 नेगेटिव मार्क्स पॉलिसी रखो कि कुछ भी मैं गलती करूंगा ही नहीं। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार जब तुम गेट एग्जाम दे के आ जाओगे और तुम देखोगे ये मैंने जानते हुए गलत कर दिया या नेगेटिव मार दिया, अपने बाल पकड़ के नोचने लगोगे, इतना गुस्सा आएगा तुम्हें, क्योंकि 1.33 मार्क्स से भी तुम कहां से कहां फेंका जाओगे इसका तुम्हें आइडिया नहीं है। 1 मार्क्स में तो कितना बार लोग का 400-500 रैंक का डिफरेंस आ जाता है। अगर अंडर 1000 हो तो, मतलब अंडर 1500 हो तो, उसके ऊपर गए तो हजार मार्क्स का डिफरेंस, हजार रैंक का डिफरेंस आता है। नेगेटिव मार्क्स नहीं करना है, इतना अपने दिमाग में रखो। टेस्ट के समय हमेशा सीरियस रहना है कि ये एक क्वेश्चन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको मैं गलती कर दूं तो मेरा लाइफ पलट जाएगा। तो एनालिसिस कैसे करते हैं, मैं सीधा 1 से लेकर 65 तक हर एक क्वेश्चन को लिख लूंगा, ठीक। उसके बाद देखूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सही है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, और कौन कौन से क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक किया है, ये सब तुम्हें मार्क करते जाना है। समझ में आया। और एक बात याद रखना, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कुछ ऐसा, मतलब 2-3 घंटा नहीं किया जाता। कहीं मैंने एक बार सुना था टेस्ट 3 घंटा का, तो एनालिसिस 5 घंटा होना चाहिए। क्या मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कर लो कि क्या कर रहे हो इसका, उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आधा घंटा बहुत हुआ तो 1 घंटा में तुम्हें बस देखना है यही है मेरा गलती है, ये सब चीज़ में मैंने मुझे काम करना है, उसके बाद अपना काम करो। उसके बाद तो यहाँ पे बस देखो, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा यहाँ पे कि कैसे मैंने एनालाइज किया। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये लड़का एप्टीट्यूड में बहुत गलती कर रहा है। तो एप्टीट्यूड में इसका बस 15 में से 2.33 मार्क्स आया, ये बहुत कम है। 15 में से 15 लोग एम करते हैं, 14-13 तक तो कोशिश करो ही कि लाना है एप्टीट्यूड में, ठीक। अब यहाँ टेस्ट सीरीज है तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन फालतू भी मिलेंगे तुम्हें, एक दो तो मिल ही जाएंगे, तो 12-13 तो लाने का कोशिश करना ही है। तो ये सीधा सीधा पता चलता है कि एप्टीट्यूड इस लड़के का वीक है। आगे देखते हैं, फिर टेक्निकल में जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, टेक्निकल में इसका ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ रहा है। इसका जो भी पीछे ये पढ़ रहा है, ये एप्टीट्यूड की वजह से पढ़ रहा है, और टेक्निकल में कुछ कुछ वीकनेस है अगर इसके हैं तो वो मैं देखूंगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे देखो, ये मेनली गलती कहाँ कर रहा है। तो मुझे पता चला कि सारे टेस्ट मैंने एनालाइज किए तो देखा कि मैथ्स में इसका 8 क्वेश्चन जो बन सकता था वो नहीं बना। तो 8 क्वेश्चन में तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, मतलब तुम आईएससी बैंगलोर से एनआईटी रायपुर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो वो नहीं करना है तुम्हें। तो सीधा सीधा पता चलता है कि मैथ्स भी इसका बहुत वीक है,
उसके बाद मैंने देखा टॉम में इसने 3 गलती किया, गलती मतलब जो बना सकता था वो इसने गलती कर दिया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 2 किया, आरएसी में 1 किया, मैकेनिक्स में 1 किया, इंडस्ट्रियल में 2 किया, प्रोडक्शन में 1 किया। अब जो एक एक है ना वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, मतलब टेस्ट के बीच में आदमी का थोड़ा सा कॉन्शियसनेस जाएगा तो हो सकता है वहाँ पर गलती हो जाए, सिली मिस्टेक हो जाए, कुछ फॉर्मूला याद ना आए, ये हो सकता है। तो एक गलती हम मान सकते हैं कि वो प्रैक्टिस से ही जाएगा, जितना ज़्यादा टेस्ट होगे वो इम्प्रूव होता जाएगा, लेकिन 2, 3, 8 ऐसे गलतियाँ हो रहे हैं तो मतलब पक्का वो सब्जेक्ट वीक है। तो देखो वीकनेस का भी लेवल होता है, इसका एप्टीट्यूड तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। एप्टीट्यूड में इसके बस 3 क्वेश्चन सही हुए हैं, बाकी सारे या तो गलत हुए हैं या तो छोड़ दिए हैं। उसी तरह से मैथ्स में इसके 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मतलब 2-3 बस सही हुए हैं, बाकी सब गलत हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, जब सब्जेक्ट कोई इतना ज़्यादा वीक हो जाता है तो उसको समझो कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा वीक है। मैथ्स और एप्टीट्यूड 30 मार्क्स बनाते हैं, अब 30 मार्क्स के तुम ठीक से पढ़ के अगर टेस्ट दोगे तो बस डीमोरलाइज होगे, उससे और कुछ नहीं होगा। तो अपने दिमाग में रखना है कि एक सप्ताह मुझे कुछ टेस्ट नहीं देना है, बस मैथ्स और एप्टीट्यूड पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, जब इतना वीक है तो तुम्हें बिल्कुल क्लास नोट्स उठा के दोबारा पूरा पढ़ना चाहिए कि पूरा का पूरा मैं स्ट्रांग करूंगा और तब बैठूंगा। अब बहुत लोग देखते हैं आज ये क्वेश्चन तो मेरा सिली मिस्टेक हो गया, लेकिन उस पर भी ध्यान दो सिली मिस्टेक किस सब्जेक्ट से हुआ है। अभी मैंने देखा तो पता चला इसके सारे सिली मिस्टेक जो हो रहे हैं वो मैथ्स ही हो रहे हैं, मतलब जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो गारंटी तुम उसमें सिली मिस्टेक करोगे। तो ऐसे हालत में मैथ्स और एप्टीट्यूड को पूरा एक वीक देना है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसका 2 गलती हो रहा है, जो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अब मैं क्या क्या गलतियाँ किया है इसने वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे जो एग्जैक्टली गेट में आ सकते थे, मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, जो गेट में आ सकते थे बहुत तगड़े क्वेश्चन, वो इसने छोड़ दिया। यानी कि गेट भी देगा तो इसका गलत हो जाएगा अगर आज ये गेट एग्जाम देता है तो उसमें वर्क करना है। गलतियाँ कहाँ हो रही है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में और बेसिक्स में। तो मैंने इसे सिंपल सा गाइड किया, वो कॉल जो है वो भी तुम्हारा वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हें अगर सुनना है तो सुन सकते हो मैंने उसे किस तरह से गाइड किया। तो डिफ्लेक्शन के लिए उसे क्लास नोट्स पढ़ने चाहिए दोबारा अगर इतना बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो, और सिंपल जो बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है फर्स्ट चैप्टर, वो उसे पूरा मंडल सर के क्वेश्चन बैंक से एक बार थ्योरी पढ़ लेना चाहिए ताकि तुम वो गलती दोबारा ना करो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इसने ट्रांसपोर्टेशन का एक क्वेश्चन छोड़ा और लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन छोड़ा, तो ये नहीं होना चाहिए। और बाद में इसे पता चला मुझे इससे बात करने पे कि इसने इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया ही नहीं है, तो सीधा सा बात है कि ये नहीं करोगे तो तुम्हारा गलती होगा ही। ऑब्वियसली तुम्हारा जहाँ पे भी मार्क्स जा रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न है, उस रीज़न को खोजो और उस पर काम करो तभी मार्क्स इंप्रूव होगा, यही एनालिसिस का मतलब है। मैक्सिमम लोग डर जाते हैं, मेरा अगर 10 मार्क्स भी आता 100 में मैं डरता नहीं, मैं सोचूंगा कि करना क्या है मुझे, तभी तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। तो एप्टीट्यूड इतना वीक है तो क्या करे, एप्टीट्यूड का जो मेडिजी का बुक आता है अभी भी सॉल्व कर सकते हो। 1 महीना अगर तुम 2-2 घंटा भी टाइम दोगे या फिर 1 घंटा भी टाइम दोगे तो तुम्हारा बहुत सारा पोर्शन सॉल्व हो जाएगा, तो एप्टीट्यूड तुम्हें वैसे करना है। दूसरा वीकनेस था इसका मैथ्स, तो मैथ्स का सीधा है, जो भी मैंने सोर्स वाला वीडियो बनाया था उससे समझ में आता है कि तुम्हें क्लास नोट्स पढ़ने मेडिजी के तो वो पढ़ सकते हो, तो तुम्हारा एक बार मैथ्स पूरा रिवाइज हो जाएगा उसके बाद ही दूसरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना। तो क्या समझ में आया, एप्टीट्यूड तो इसका गारंटी वीक है, मैथ्स इसका गारंटी वीक है, तो उन दोनों में काम करना है। अगर तुम 30 मार्क्स में से अगर तुम्हें अभी 10 से भी कम आ रहे हैं उसे तुम बढ़ा के 22-23 बना लो तो कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसका टेस्ट को मैंने एनालाइज किया तो पता चला 20 मार्क्स तो इसके ऐसे ही आ सकते थे जो इसको आ जाएंगे अगर ये उस पर वर्क करेगा थोड़ा सा, तो ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छे लेवल पे होते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आता क्योंकि वो अपने वीकनेसेस पे वर्क नहीं करते, और जब टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आता है तो डर जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, उससे नहीं काम चलेगा। अभी भी तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है, कोई भी कितना भी लेवल का स्टूडेंट हो उसका स्टार्ट ऐसे ही होता है, और 50 तो बहुत एवरेज है, मतलब मेजॉरिटी का इसी रेंज में रहता है, ठीक। तो उसमें काम करना है। और देखो मैं धीरे धीरे तुम्हें बता देता हूँ टेक्निकल में इसने क्या क्या किया है। 1-2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे जो इसने छोड़ दिया, जो बिल्कुल गेट में आ सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज का ये बहुत रेयरली तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जैक्टली गेट के पैटर्न का है, लेकिन उसे कभी नहीं छोड़ना अगर वो एग्जाम में आ गया तो, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं उन क्वेश्चन पर एक आज का साइंटिस्ट वीडियो बना दूंगा तो तुम्हें वो क्लासिक बेसिक क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि ये सब कैसे सॉल्व करना है। तो क्या समझ में आया, टेस्ट सीरीज कैसे एनालाइज करना है, 1 to 65 तुम नंबरिंग लिखोगे, उसके बाद देखोगे कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए। उसके बाद देखना है गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है देखना है किस सब्जेक्ट से गलत हुए हैं, इवन सब्जेक्ट के किस पोर्शन से गलत हुए हैं। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट से मेरा बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है, जैसे इसका मैथ्स और एप्टीट्यूड था, तो उस सब्जेक्ट को रिवाइज करो दोबारा दूसरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने से पहले। तुम्हारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी एक करेंसी की तरह रखो, 12 या 13 या 20 ही है तुम्हारे पास, वो अगर तुमने फालतू में वेस्ट कर दिए
तो उससे नहीं होगा। हर एक टेस्ट में तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो तुमने देखा, टेबल बनाया कि हाँ ये सब्जेक्ट में तुम मेरा ज़्यादा गलती हो रहा है, उसको रिवाइज किया, उसको दोबारा टेस्ट सीरीज दिया, गारंटीड तुम्हारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। तो यही था एनालिसिस। क्या है कि मैं कभी ना कभी लोअर रेंज यानी कि 20-30 मार्क्स जिसका आ रहा है उस पर एनालिसिस करूँगा, और जिसका हाइयर आ रहा है जिसका 60-70 पहुँच गया उसको 80 तक कैसे पहुँचाए उस पर भी एक ना एक वीडियो बनाऊँगा ही। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरह से टेस्ट को एनालाइज करो, अपने फुल लॉजिकल दिमाग से सॉल्यूशन खोजो और अपना इम्प्रूवमेंट करो। अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, उस पर वर्क करो, आराम से निकलेगा एग्ज़ाम। तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।